Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। सर, मैंने अपनी तरफ से उस लड़की की इंक्वायरी शुरू कर दी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, उस लड़की का नाम कुसुम नहीं है। देखो पूर्वी, अगर अगर उस लड़की को ढूंढने में तुम्हें तुम्हें मेरी कोई भी मदद चाहिए तो प्लीज। नो थैंक्स सर, आपका काम ऑलमोस्ट हो गया है, क्योंकि जिस इंसान को मैंने ये काम दिया है उसने सेल GPS के थ्रू उस लड़की का एड्रेस ढूंढने की कोशिश की है, तो आई थिंक हमें उस लड़की तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उर्वी, क्यों तुम दिन ब दिन मुझसे इतनी दूर होती जा रही हो? आई थिंक मेरा काम हो चुका है, मैं चलती हूँ। उर्वी वेट, सब मेरा काम हो चुका है, आई थिंक मेरे पास यहाँ रुकने की और कोई वजह नहीं है। हाँ जी उर्वी, उर्वी आई एम रियली सॉरी, मुझे इस तरह तुम्हें ऑफिस आवर्स में कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, बट मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। कहिए। उर्वी, वो लड़की के बारे में कुछ पता चला? मैम अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, जैसे ही उसका पता चलता है मैं आपको बता दूंगी। पूर्वी, आई एम रियली फीलिंग बैड, मैं जानती हूँ कि ऑलरेडी तुम पे बहुत ज़्यादा काम का बोझ है, ऊपर से मैंने भी तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, बट अभी एक सब तुम ही हो जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि अर्जुन के साथ मैक्सिमम टाइम तुम रहती हो, और ये सारी बातें मैं अर्जुन के साथ भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि हो सकता है उसे लगे कि मैं उस पर शक कर रही हूँ, बट आई स्वेयर पूर्वी, मैं उस पर बिल्कुल भी डाउट नहीं कर रही हूँ। पूर्वी, तुम तो जानती हो ना हम लड़कियां इन सब मामलों में कितनी ज्यादा पोसेसिव और सेंसिटिव होती हैं। मैम, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, लेकिन मैं आपकी सिचुएशन समझ सकती हूँ। जब आप किसी पे बहुत ट्रस्ट करते हैं और वही इंसान आपका ट्रस्ट तोड़ता है तो कैसा फील होता है? आप वो गम बर्दाश्त भी नहीं कर पाते और किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते। आपकी फैमिली आपके साथ होते हुए भी आप बहुत अकेले हो जाते हैं। आई अंडरस्टैंड योर इमोशंस ना, मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ। पूर्वी, थैंक यू सो मच, तुमसे बात करने के बाद तुम पर और भी ज्यादा मेरा विश्वास बढ़ गया है। I'm sure कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल सही इंसान के हाथ दी है। ए बाबी डॉल, कहाँ है तू? अच्छा पूर्वी, तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ओके? यस मैम। चलो बाय। सुना आपने ओवी मैम ने क्या कहा? आपको पता है मेरी आई भी दिन रात मुझसे यही कहती रहती, कभी कभी तो इनका इतना भरोसा देख के मुझे इतना गिल्टी फील होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन लोगों को धोखा दे रही हूँ। खैर छोड़िए, आप नहीं समझेंगे। मैं समझता हूँ पूर्वी। पूर्वी तुम मुझे नहीं समझ रही, मुझे कोई नहीं समझ रहा है। आप, मैं जानता हूँ कि ये सारी मेरी गलती, मैं जानता हूँ ये सब मेरी वजह से, मेरी बात का यकीन मानो पूर्वी, उस वक्त एंगेजमेंट में मैं मजबूर था, मानव अंकल की वजह से, डैड की वजह से, ओवी की वजह से मुझे चुप रहना पड़ा पूर्वी, अंडरस्टैंड, आई प्रॉमिस यू। बस, यू डोंट हैव टू प्रॉमिस मी एनीमोर। पूर्वी, अरे मानव आया क्या दवाई लेके? नहीं आई अभी तक, नहीं। महारानी सोई लगती अभी तक। नाश्ता तैयार है क्या? क्या मोहरत निकलवाएगी मेरे से? चल जल्दी ला। ला रही हूँ मैडम, अभी ये नई जगह है ना, तो मुझे कुछ चीजें मिल ही नहीं रही हैं। अरे जो भी है जैसा भी है तुरंत ले क्या, मुझे बहुत भूख लगी। क्या ये सुंदरी कर रही है तू?
अच्छी बाबा नाश्ता भी जल्दी नहीं बनाती। अभी क्या अल्लाह दिन का चिराग आया क्या? मैडम ये नहीं है, मैडम वो नहीं है। फिर अभी आई सबने नाश्ता कर लिया, आप भी कर लीजिए, भूख लगी होगी ना आपको। मैं मरूंगी लेकिन तेरे हाथ का ये नाश्ता नहीं खाऊंगी मैं। भाई अब आप मेरा गुस्सा इस नाश्ते पर क्यों निकाल रही हैं? देखिए आई, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं आपको खुशबूश करने के लिए सब कुछ कर रही हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इधर देखिए ना, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना वो सिर्फ बहू का फर्ज निभा रही हूँ और कुछ नहीं। ये तेरा बहू होने का नाटक तू मेरे साथ मत करा। पहले बोल देती हूँ मैं, 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने। हाँ तो चली गई होगी। क्या बोली तू? आपने कहा है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तो हाँ चली गई होगी, तो अब क्या करना है? मुझे उल्टा जवाब दे रही है। आई मैं उल्टा जवाब नहीं दे रही हूँ, मैं तो बस आपकी हाँ में हाँ मिला रही हूँ। तू मुझसे जुबान मत लड़ा, ध्यान में रख मैं तेरी सास हूँ। वही मैं आपसे कहने की कोशिश कर रही हूँ आई, कि आप मेरी सास है और मैं आपकी बहू। मैं सिर्फ बहू होने का फर्ज निभा रही हूँ और कुछ नहीं। ये कौन सी नई चाल चल रही है तू? हाँ कौन सी नई चाल चल रही है आई? अब मैं भी यहाँ हूँ और आप भी यहाँ है, ना आप इतनी भोली है और ना मैं इतनी समझदार। कोई भी अगर किसी के साथ कोई चाल चल रहा होगा ना तो अपने आप पता चल जाएगा। 18 सालों में बहुत बदल गई है तू। हाँ काश आई, काश मैं भी आपके बारे में ये कह पाती, लेकिन नहीं, आप जैसी थी आप बिल्कुल वैसी हैं, आप बिल्कुल नहीं बदली। लेकिन एक बात देखी ना आई, मैं इंडिया में रहकर बदल गई और आप कनाडा में रहकर भी नहीं बदल पाई, ऐसे कैसे? हेलो 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 आजी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है बेटा? अरे हम तो यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं और आजी तुझे मिस भी बहुत कर रहे हैं। मैं भी आजी, काश तू भी यहाँ पे होती। अरे लेकिन तेरी आवाज से तो नहीं लग रहा है, तू वहाँ पे क्या कर रही है? अरे आजी पूछ मत, हमने तो यहाँ पे बहुत एंजॉय किया, वाटर स्पोर्ट्स किया और साइटिंग भी की। और ये ओवी इतनी शॉपिंग की है इसने, पूरा गोवा खरीद लिया लग रहा है। आजी झूठ बोल रही है ये। अरे बाप रे, खैर वो सब छोड़िए, बता तेरा बर्थडे कैसा रहा? आज वो वैसे गिफ्ट वसूले या नहीं? बेटा ये साल का जन्मदिन तो यादगार जन्मदिन हुआ, जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा गिफ्ट मिला मुझे। अच्छा वो बातें छोड़, तू अभी कहाँ से बात कर रही है? हम इस समय पैकिंग कर रहे हैं और बस 3-4 घंटे में मुंबई पहुंचने वाले हैं, यही कहने के लिए मैंने फोन किया था। ठीक है आजी मैं रखती हूँ अभी। हाँ चल चल बेटा, बाय 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 आजी। ये दोनों लड़कियां भी मुझसे माना और अर्चना की बात छुपा रही है, पता नहीं क्या जादू किया उस औरत ने। आना बाप की चाय। थैंक्स। अर्चना क्या हुआ, कुछ बात करनी? हाँ मानव, मुझे मुझे बहुत टेंशन हो रहा है मानव। ओवी और तेजू का अभी तो वो यहाँ नहीं है मानव, लेकिन वो गोवा से आएंगे और मानव हम हमारे रिश्ते को कैसे छुपाएंगे? टेंशन तो मुझे भी बहुत हो रही है अर्चना। एक्चुअली आई ओवी और तेजू से नाराज है, हमारी तरह हम दोनों के साथ रहने की बात उन्होंने भी छुपाई आई से, और जैसे ही वो वापस आएंगे पता नहीं आई उनसे इस सिलसिले में जरूर बात करेंगे। नहीं नहीं मानव ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर उन्हें ये पता चला कि मैं उनकी आई हूँ तो पता नहीं क्या होगा भाई, वो वैसे ही मुझसे बहुत नफरत करने लगेंगे। मान मैंने देखा है उनकी आंखों में वो अपनी आई के लिए वो गुस्सा वो नफरत,
मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मानव, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।